यार। अरे आपके बोलने से मुझे पता था, मैं दुकान पे जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे यही सुनने को मिलेगा कि भाई नाश्ता करना, तो इसलिए देखिए मैं हलवा पूरी लेके आ गया। तो सीख गया हूं ना मैं सफाई करना। फरहान भाई ये बताएं ये क्या है? सर ये झाड़ू है। यार झाड़ू नहीं है यार, ये दांत साफ करने का बोल देता। इससे आपने दांत साफ किए थे क्या? सुबह सुबह पहुंचे हुए हॉस्पिटल में भाई, और ये देखें कबूतर लगे हुए हैं अपना नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, और वीआईपी मंजर एंजॉय कर रहे हैं झील के पास। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक के मजे में। यार आज जो है ना आपके भाई का डर्मेटोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट था, जो कि रूटीन एक्चुअली फॉलो अप होता है हर महीने का होता है, तो बस उसके लिए मैं आया था, मेडिसिन वगैरह ले लिए। और आज हम क्या करने जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। और पैदल चलते चलते जो है ना मैं दोस्तों का ग्रुप देख रहा हूँ जो कि आज सुबह बनाया गया है। एक्चुअली हमने दावत लेनी है, तो दावत का वेन्यू डिसाइड हो रहा है। और दावत किस चीज़ की लेनी है? हमारे एक दोस्त की नई नई जॉब लगी है, तो मतलब छोड़ थोड़ी सकते हैं यार, दावत तो लेना जरूरी है ना यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल भाई स्टार्ट हो जा, बहुत काम करने तुमने। गाड़ी में हम देखते हैं एक अदद वलीमे का कार्ड मौजूद है जिसपे लिखा हुआ है आपके भाई का नाम विद फैमिली। इंशाल्लाह जाएंगे। यार मेरे दिमाग में जो ना एक चीज आ रही है, बड़ा मजा आएगा। देखें हमारे किसी भी सब्सक्राइबर की अपनी शादी अगर आ रही है बिल्कुल करीब, मतलब ना इसी महीने के अंदर, तो आप मुझे ईमेल करें। अच्छा ऐसा नहीं होगा कि हमारे कजन की शादी है, हमारे रिश्तेदार की शादी, नहीं ये नहीं चलेगा। अगर हमारे किसी सब्सक्राइबर की अपनी शादी है जो कि हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, बहुत चाहते हैं हमको, ठीक है, तो मुझे ईमेल करें इस ईमेल आईडी के ऊपर। और आपके वलीमे में या आपकी शादी में जो गाड़ी के अंदर आप बैठ के हॉल में जाएंगे वो आपके भाई की ये रेवो होगी, ठीक है। बड़ा मजा आएगा, आपका भाई इसको फुल सजा हो जाके लेके आएगा और आपको जो है ना हॉल तक लेके जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। डन हो गया, तो किसी भी एक को हम पिक करेंगे, आप ईमेल्स करें। आज का सीन क्या है भाई वो तो आपको बता दे जरा। ये देखें वीआईपी पॉप्सिकल का सीसीटीवी कैमरा आपके भाई ने खोल लिया है, और ये देखें चादरें वादरें डाल दी है, मतलब फ्रिज के ऊपर देख रहे हैं आप लोग, कंप्यूटर उठा के उधर रख दिया है सारा का सारा। तो ये क्या हो रहा है? ये वीआईपी पॉप्सिकल का वीआईपी सेटअप हो रहा है, मतलब मेंटेनेंस की एक्टिविटी चल रही है। आज हम फुल सफाई सुथराई के मूड में, सही है। तो स्टाफ भी हमारा जल्दी आ गया, आपका भाई भी दुकान पे जा रहा है और सफाई करेंगे, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आवाज पहले से बेहतर हो गई है। या मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट वीआईपी पॉप्सिकल में नहीं जाते, मतलब हमारा स्टाफ जल्दी आया है आज ना, तो हम जो है ना नाश्ते का सेटअप कुछ करते हैं, हलवा पूरी वगैरह लेके जाते हैं, सरप्राइज देते हैं। क्योंकि आपके भाई का मानना है कि भाई देखें वर्क प्लेस जो होती है ना इसको बोरिंग नहीं बनाना चाहिए कि बंदा आए काम करे चला जाए, नहीं, हर चीज को एंजॉय करना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। हलवा पूरी लेने के लिए आपका भाई बादराबाद भी जा सकता था, लेकिन वहां पे गली में इतना कंजेस्टेड होता है, मतलब गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती, तो मैं धोराजी से ही ले लेता हूँ। एसी बंद, शीशे बंद और फिर गाड़ी बंद। 50 का हलवा और 7 पूरियां। ये आ गई भाई 400 रुपए की आ गई। पूरी हल्की नहीं आ रही, पूरी ऊपर से आएगी, देखें ये ऊपर से आई, ये आई, ये चेक करें। और ये आ गई भाई हमारी गर्मा गर्म हलवा पूरी। ये जो खुशबू निकल रही है ना इस थैली के अंदर से, आय हाय हाय हाय, मतलब इसका भी एक परफ्यूम होना चाहिए, हलवा पूरी परफ्यूम। पहुंचने वाले हैं हम वीआईपी पॉप्सिकल पे। यार अभी भी मैं ऐसे कमेंट देखता हूँ कि मुस्तफा भाई आपकी वीआईपी पॉप्सिकल की शॉप किधर है। यार गूगल मैप के ऊपर आप लिखे वीआईपी पॉप्सिकल, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे। बता भी देता हूँ कि मशरक सेंटर की गली के अंदर जैसे ही आप आते हैं तो बिल्कुल सीधा सीधा आ जाए, वो सामने वीआईपी पॉप्सिकल नजर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आज सुबह सुबह उठ के आना कैसा लग रहा है आप लोगों को? यार भाई फुल जो है ना मेंटेनेंस चल रही है, देख लें सफाई सुथराई माशाल्लाह, पहली मर्तबा जो है ना हमने देखा है अपनी टीम को काम करते हुए असल मायने में। और अदनान भाई आप कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। यार अरे आपके बोलने से मुझे पता था, मैं दुकान पे जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे यही सुनने को मिलेगा कि भाई नाश्ता करना, तो इसलिए देखे मैं हलवा पूरी लेके आ गया। फरहान भाई ये बताएं ये क्या है? सर ये झाड़ू है। यार झाड़ू नहीं है यार, ये दांत साफ करने का बोल देता। इससे आपने दांत साफ किए थे क्या? भाई ये जो है ना, नहीं झाड़ू बोलना एक्चुअली इसकी बेइज्जती है। देखिए कितना प्यारा सा है, सॉफ्ट सॉफ्ट इसके ऊपर बाल लगे हुए, इसको प्यार से इज्जत दे, डस्टर ब्रश बोले इसको, डस्टर ब्रश। और ये देखें भाई ये है ब्लोअर, सही है ना, इससे हम सफाई करते हैं। वाह भाई वाह। ये अदनान भाई कितने का लेके आए? 3000 रुपए का खर्चा भाई। आ जाओ भाई सारे जल्दी आ जाओ यार, हलवा पूरी इंतजार कर रहा है, इंतजार नहीं कराना चाहिए बिल्कुल खाने को ना, पहले खाना खाओ फिर काम करना। हाँ मुझे पता है फरहान भाई की यही जो है ना सोच है कि भाई खाने का सिस्टम पहले होना चाहिए, काम हम सब बाद में होगा। सर हलवा नहीं है इसमें? अरे हलवा लेके आए, आप क्यों टेंशन लेते हैं यार, आपका भाई लेके आएगा और कोई अधूरा काम छोड़ेगा? ये देखे ये हलवा सर, ये यार हलवा होगा ना यार,
ये रहा यार हलवा, मतलब क्यों डरा रहे हैं यार। क्या बासित को दिखाओ वीडियो कॉल पे। ओ बासित भाई, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये चने का सालन, ये है हलवा और ये है गर्मा गर्म पूरी। बताओ आना है तो आ जाओ, वैसे भी तुम डाइटिंग तो कर नहीं सकते, आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्या बिजी हो, काम में हो? चले भाई, ये जरूरी काम में होगा तभी हलवा पूरी को जो है ना ये नहीं आ रहा, वरना तो ये सब कुछ छोड़ के आ जाता। तो आप लोग खड़े होके क्यों खा रहे हैं ये तो बताएं। सफाई नीचे गंदगी है। अच्छा अच्छा, हाँ सफाई हो रही है ना ये सारी, इसीलिए, वरना मैंने ये सोचा चादर बिछा के आराम से बैठते हैं। आपके भाई को जो है ना सबसे ज्यादा मजा आता है चने के सालन के साथ पूरी खाने का, समझ रहे हैं? ये आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइटिंग वाला आने वाला, छोटा आने वाला। भाई ये हलवा पूरी नहीं खाई जा रही, बहुत ऑयली होती है सर। तो ये पूरी पूरियां खत्म कर दिया, आपको याद आ रहा है कि ये ऑयली है, पहले याद नहीं आया। भाई अभी जो है ना बड़ा सा स्टूल चाहिए हमको ताकि ऊपर चढ़ के सफाई कर सके, तो स्टूल लेके आते हैं अदनान भाई के साथ जाके। जिस दुकान पे हम लोग स्टूल रेंट पे लेने के लिए आए ना, देखें दुकानदार बंदा जो है ना कुरान की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो देखें कितनी प्यारी बात लिखी हुई है ना, रिस्क जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है वो तुझे ज़रूर मिलेगा, सब्र मेहनत और ईमानदारी से हासिल कर, तुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये आ गया भाई स्टूल रेंट पे, कितना 150 रुपये रेंट पे। चलें भाई, अदनान भाई पकड़ के बैठेंगे, आपका भाई बाइक चलाएगा। बिस्मिल्लाह, फरहान भाई ये इतनी सफाई हो रही, कोई खजाना वगैरह निकला नहीं? ये चीज भाई देखे रिकवरी हो गई, ये कुछ दिनों पहले जो है ना गिर गया था फ्रिज के पीछे, तो ये रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही आता आपके बाइक पे लगाना कुछ है नहीं? बिल्कुल यार सर, बेहतरीन है, मतलब सीख गया हूं ना मैं सफाई का। ओए होए यार, बोर्ड की हालत देखें खराब हुई हुई है, परिंदों ने जो निशाने लिए ना इसकी वजह से पूरा का पूरा खराब हो गया। मैं तो बोलता हूँ इसको चुटकी बजाते ही साफ करते हैं। 1, 2, 3 और ये चेक करें भाई, पूरा का पूरा बोर्ड जो है ना चमक गया है, VIP हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। VIP पॉप्सिकल पे आज हमारे 3 छोटे सब्सक्राइबर्स आए मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो आप? कहाँ से आए हो आप लोग? लाहौर से आए हुए हैं। अच्छा ट्रिप चल रहा है आपका, चलो गुड है, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर के इस वक्त 12:15 बज रहे हैं और 12 बजे दुकान सफाई सुथराई के बाद ओपन भी कर दी गई है। अब जा रहे हैं हम अब्दुल कबीर को स्कूल से लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? स्कूल से हमने अब्दुल कबीर को ले लिया, अब हम सीधा कहाँ जाएंगे? घर पे। ओके, नारियल पीना। नो घर। अब्दुल कबीर का बस चले ना तो बोले मुझे घर जाना ही नहीं है, पूरा दिन से रात घुमाते ही रहो बाहर। अब तो कभी सीधा जाएंगे तो यूनिफॉर्म वाले की दुकान है और इधर जाएंगे तो नारियल वाला है। क्या लेना है पहले? नारियल। अपने काम की चीज। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। तो ये आ गया भाई स्पोर्ट्स डे का, ग्रीन कलर की टी शर्ट आ गई, सही, और ये आ गया ट्राउजर। अब्दुल कबीर, अब्दुल कबीर, अब्दुल कबीर सीधे खड़े ने, सीधे खड़े ने, देखें ये लीजिए बॉस, आ गया आपका नारियल। हाँ अब्दुल कबीर पहले अपना वाला पीता नहीं है और पहले से ही बोल देता है कि मम्मो के लिए भी आप एक रेडी करवा लो, ठीक है ना, मतलब मेरी अम्मी के बगैर इसको कोई चीज नहीं चलती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? आपको पापा की याद आ रही थी? किसी कर दो मुझे, किसी कर दो। हाँ मीठा खा लिया मैंने। क्या क्या दिखाऊं? कहाँ है गिफ्ट? कहाँ है ये देखें, ये इसको ये लग रहा है कि अब्दुल कबीर का जो यूनिफॉर्म लिया है ना ये गिफ्ट लेके आया हूँ उसके लिए। रात के इस वक्त 8:07 हो चुके हैं और दावत लेने का टाइम हुआ चाहते हैं, तो भाई दोस्तों को लेते हैं और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? वेलकम टू द पार्टी। लियारी एक्सप्रेस वे पे हम लोग आ गए हैं। हाईवे पे जाके खाना खाने का अलग ही मजा है, एक तो खाने का मजा, ऊपर से लॉन्ग ड्राइव का मजा, मतलब कॉम्बो हो जाता है डील। और हम पहुंच गए हैं गप्पे लगाते लगाते रेस्टोरेंट के पास। भाई दूसरी पार्टी किधर है जिन्होंने दावत देनी है? अच्छा पहुंचने वाले, वो रास्ते वो पीछे रह गए हैं असल में। एक्चुअली दूसरी पार्टी कौन है? हमारे राहिल भाई हैं, सही है। राहिल भाई ने जॉब रिसेंटली स्विच की थी तो उन्होंने बोला कि यार मेरी नई जॉब की खुशी के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को दावत देना चाह रहा हूँ, तो ये सीन है असल में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाईजान? खैरियत से? ठीक ठाक है। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच। आप तो और बताएं, बदल गए यार आप तो। वजन क्या बदल गए यार? वजन कम होता जा रहा। नहीं नहीं वजन उतना ही है। नहीं वजन जितना डाइटिंग के बाद था उतना ही है। 82.5 आज चेक किया। बॉडी फैट कम हो रहा है। हाँ बॉडी फैट कम हो गया। और भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं?
भाई रेस्टोरेंट में सबसे पहले जो है ना हमने ईशा की नमाज पढ़ ली है, अब चलते हैं खाने का ऑर्डर देते हैं। आमिर भाई ये आप भी ग्रीन वाले फ्रेंच फ्राइज खाएं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ये वाले फ्रेंच फ्राइज अगर खाएंगे ना तो पेट ऐसा हो जाएगा, पेट खाएं भाई, और जैकेट पहन के दबाया हुआ है पेट। भाई ये जो है ना हमारा खाना आ गया, ये क्या है भाई? अदाना कबाब है, अदाना कबाब ओके विद राइस आ गई। राहुल भाई ये क्या है? ये है देसी मुर्ग की कढ़ाई विद मक्खन। विद मक्खन, अरे हाय हाय हाय, विद मक्खन आ गई। और ये आ गया भाई चिकन टिक्का, ठीक है जी। और ये आ गई है बीफ बिहारी बोटी, और ये आ गई है भाई रोटी। वाह, चलें जी अदाना कबाब से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिक्का तो मजे का है। तो राहुल भाई ये जो कढ़ाई है ये देसी मुर्गे की है? अच्छा, ये तो भाई मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, पता नहीं कैसे होगा देसी मुर्गा। असल में हमें आदत पड़ गई ना फार्मी मुर्गियाँ खाने की, तो आज पहली मर्तबा देसी मुर्गे की खा रहे हैं। यार अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी हमने बहुत इंजॉय किया। इसके बाद यहाँ पे सर्दी के अंदर जो है ना खड़े रह के काफी देर तक गप्पे शप्पे लगाए, जिसका एक अलग ही मजा है कि नहीं भाई? थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह यार। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी, थैंक यू। चाहिए भाई जान, ओके। ये आपको जो है ना छोड़ेंगे और मैं और आमिर निकलेंगे, ओके। चले जी, होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।